हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेचर बोन्ड क्या होता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो वही सब मैं आपको बताऊँगा। जो आपको पता ही है दोस्तों कि जो बोन्ड्स हैं वो चार टाइप से होते हैं, चार प्रकार के होते हैं बोन्ड्स, स्ट्रेचर, हेडर, फ्लेमिश इंग्लिश बोन्ड और फ्लेमिश बोन्ड। ठीक है दोस्तों, जो ये जो बोन्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर साइड पे, तो ये स्ट्रेचर बोन्ड है। ठीक, और दोस्तों जो स्ट्रेचर जो बोन्ड होता है उसमें सिर्फ एक ईट यूज़ करते हैं अपन, और इसमें जो रेशो रहता है, क्योंकि ये 4 इंची दीवारों में मोस्टली जो पैराफिट वाल होती हैं, जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे 4 इंची वाल निकालते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्ट्रेचर बोन्ड। और जिसमें मतलब स्ट्रेचर बोन्ड का मतलब है कि जिसमें इच लेयर, जैसे ये जो आपका है ये लेयर, इसमें इच लेयर इसी बोन्ड में, मतलब कि जैसे आपको पता है जैसे ये एक ब्रिक है दोस्तों, ब्रिक में जो होता है ये जो फेस होता है इसको हम स्ट्रेचर बोन्ड बोलते हैं, और इसी को हम ऐसे घुमा देते हैं तो ये जो होता है ये हेडर होता है, हेडर। और ठीक है, और इस वाले का जो होता है, इस जिसमें नाम होता है ये कंपनी का, इसको हम फ्रॉग बोलते हैं बीच से। ठीक है दोस्तों, तो हम ये बात करें स्ट्रेचर बोन्ड की। ठीक है, ये जो है, ये जो सामने आप देख रहे हैं वो स्ट्रेचर बोन्ड है। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ उदाहरण है कि जब भी हम स्ट्रेचर बोन्ड मतलब कि 4 इंची जो दीवार बनाते हैं उसमें हम हर 4 गद्दे पे, हर चौथे कोर्स पे, मतलब कि 8 mm का सरिया, 10 mm का सरिया यूज करते हैं। ठीक है, वो जो कि मजबूती होती है, क्योंकि एक दीवार में थोड़ा अंदर घुसा के करते हैं, डालते हैं। ठीक है, और दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, ये जो है आपको इसको इसको जो बोलते हैं, इसको हम टेक्निकल भाषा में पॉइंटिंग बोलते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग बोलते हैं इसको हिंदी में, अगर तो सिंपल भाषा में हम इसको बोलते हैं टीप करना, बट इसको टेक्निकल भाषा में पॉइंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेचर बोन्ड है पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, और स्ट्रेचर बोन्ड में ये ध्यान रखना आपको कि जो है सरिया इसमें ज़रूर यूज करना है हर चौथे रद्दे पर। ठीक है, प्रॉपर क्यूरिंग हो, 1:4 का रेशो का मसाला हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।